पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर था मुझे और जिसकी वजह से मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। तो वैसे मौसम भी कुछ ऐसा था कि धूप नहीं इतनी ज़्यादा निकल रही थी पिछले 2 दिन, और आज जो है मैंने सोचा कि थोड़ा सा धूप में बैठ के आराम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, शोएब महरज़ादा एक नए वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 दिन में अपने सुकून घर की तरफ नहीं देखा तो ये हाल हुआ पड़ा है, पौधों का पानी नहीं लगाया गया और परिंदे हमारे डकी स्कॉट गायब हैं, वो बाहर गया हुआ होगा कहीं। हम लगा रहे हैं पौधों को पानी, और पौधे जो कि हमारे बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। हुज़ैफ़ा मेरी हेल्प कर रहे हैं। हेलो ज़ैफ़ा, इधर सलाम तो दे लो। नहीं, आ जाओ, बस इधर आ जाओ। सलाम नहीं देना, नहीं देना कहते हैं, नहीं देना। ओके हो गया, चलें जी, ओके हो गया। बाकी उनको तो थोड़ा थोड़ा पानी हमने पहले लगा दिए। अतीक के ज़िम्मे मैंने किया था कि आपने परिंदों का भी ख्याल रखना है और पौधों का भी, लेकिन अतीक चूँकि कॉलेज चला जाता है तो पौधों का भी ये हाल हुआ पड़ा है और परिंदों को बस खुराक ही मिलती रही है। परिंदे जानवर वो चीज़ें खुराक के साथ साथ इनको टाइम भी चाहिए होता है, इनको प्यार भी चाहिए होते हैं, तो इनके साथ बंदा खेले ना तो ये बोर से हो जाती हैं। मोर हमारे चूल्हे के करीब बैठे हुए हैं। चूल्हे के पास इसलिए बैठते हैं कि जब सुबह सुबह नाश्ता बनाया जाता है तो चूल्हा थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, यहाँ पर सर्दी से बच के ये बैठ जाती हैं, तो इसीलिए इनकी आदत होगी है यहाँ पर बैठना। सामने इनको खुराक मिलती है, जैसे खुराक खाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं। डकी स्कॉट को ढूंढते हैं भाई, और आवाज़ भी तब्दील हो गई है। सारे परिंदे मेरे इस साइड पे आए हुए हैं। जैनी यहाँ बैठी हुई है, सामने रहा डकी स्कॉट जो कि चारे में अपनी खुराक तलाश कर रहा है। इस चारे में छली की कुतराई साथ होती है तो उसी के ऊपर से ये दाने उतार के खा रही हैं। मुर्गे भी सामने बैठे हुए हैं। सभी जानवरों को भी सर्दी लगती है इसीलिए। ओए डर गई, कोको अपनी पूरी टीम को लेके बैठा हुआ है यहाँ, सुकून कर रहे हैं। आज माशाल्लाह मौसम साफ है। आप स्कूल क्यों नहीं गए? किस चीज़ की? कल भी छुट्टी। हाँ, उन्होंने जुमा और हफ्ता को फिर छुट्टियाँ कर दी हैं इसकी वजह से, स्मोक की वजह से। चलें, और किधर गए बाकी सारे बच्चे? आज 3-4 दिन बाद ऐसा लोगों के घर आ रहा हूँ मैं, और कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। ऊपर आपने ये डाल दी, सही है, इनका किचन ज़्यादा अच्छा बन गया माशाल्लाह। ऊपर पे पत्तल डाल दी गई है, और अब ये बेल ऊपर जाए या ना जाए। अब सुना है कि कुछ पौधे नए लेके आए थे, तो मेरे को यार जब भी कोई चीज़ नहीं लेके आए तो ये इतना खूबसूरत फूल है यार। कितने का एक पौधा है ये वाला? 100। और थे तो ये वाले तो ले आए यार नेक्स्ट टाइम मेरे लिए। अब ये क्या चीज़ लेके आए हो? नहीं, ये है किस चीज़ का फूल है? रेड फूल है। ये मेरे ही नहीं। किसके हैं? ये आंटी के पड़े। अच्छा, मैं ले जाने। चलें ठीक है, बहरहाल ऐसा मुझे लेके देना है आपने। ओके, नेक्स्ट टाइम। ये कहाँ से ली? वो जो साथ वाली नर्सरी है दरबार के साथ जो है। चले, इसमें और कलर भी थे या बस एक ही है? ये रेड कलर। रेड कलर भी है, रेड एंड वाइट, इतने खूबसूरत लगेंगे। सीरत ज़हरा को भी छुट्टी दी आज? नहीं, उसे छुट्टी, उसे नहीं होती छुट्टी, उसका जो है ना थोड़ा सा सख्त वाला है, उसका हिफज चल रहा है इसीलिए छुट्टी नहीं होती। चलें, आज मौजे मारें। तो मुझे देख के क्या, शहज़ेब सुबह टाइम गया था गन्ना लेने के लिए, तो मुझे कहता मामू मैं आपके लिए गन्ना लेके आया हूँ, क्योंकि सुबह के वक्त तो सर्दी थी, ठंडा ठंडा जो है ना वो नहीं खाया ना, क्योंकि और मुझे फ्लू हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा जब धूप निकलेगी तब खाऊँगा गन्ना। अब मोस्टली व्यूवर्स कहेंगे गन्ना खाया नहीं, चूसा जाता है, तो भाई खाना या चूसना। अब धूप में बैठ के गन्ना खाते हैं या गन्ना चूसते हैं। फ्लू और खांसी होने के बाद तबीयत बड़ी बुज़ुर्गों वाली सी हो जाती है और साथ में अगर बुखार चढ़ जाए तो फिर क्या बताऊँ भाई। पिछले 3-4 दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, फ्लू, फीवर, सर का दर्द, सब कुछ एक साथ और मौसम की तब्दीली की वजह से सब कुछ हुआ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है। काफ़ी तबीयत बेचैन थी कि अपने व्यूवर्स के सामने भी नहीं आ पा रहा था, कोई व्लॉग वगैरह भी नहीं बना पा रहा था। तो आज उठे हैं और हिम्मत पकड़ी है, रेडी शेडी हुए हैं। तो आज जो है जैसी तबीयत थोड़ी सी फ्रेश हुई है, घर के काम फिर से शुरू और किसी काम से खानेवाल जाना पड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अभी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई, फिर मुझे बाइक राइडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने भाई सर्दियों के कपड़े पहन लिए और ख़ुद को जो है ना अच्छे से ढांप के जाएंगे, मजबूरी के काम तो कर रहे हैं। ज़ाफ़ा शहज़ेब लोगों को छुट्टियाँ हैं और बच्चों की तरह खेल रहे हैं। हुज़ैफा तो है बच्चा, शहज़ेब बच्चा बना हुआ है यार। चलें आप मेरे लिए गन्ना लेके आए, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ बस ठीक है। हुज़ैफा आप क्यों नहीं गए स्कूल? किस चीज़ की छुट्टी है? इधर आके बताओ मुझे, छुट्टी किस चीज़ की है? जुमा की। जुमा तो कल था। फंस के कल आया था। कल आए थे तो आज खुद कर ली। हाँ? आज खुद कर ली। नानो मार रही है हुज़ैफा की, इसीलिए छुट्टियां मारी जा रही हैं। लेकिन हुज़ैफा लोगों को वैसे भी छुट्टियां है ना स्मोक की वजह से। लेकिन ये धुंध या स्मोक बहुत ही अजीब तरह की है, जैसे बंदा बाइक पे जाता है तो सीधा गले को पकड़। मैं तो वैसे हेलमेट भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हेलमेट के बावजूद जो है वो गला पकड़ लेती है और मतलब कि गला ख़राब होता है, उसके बाद फ्लू। तो एहतियात बरतनी चाहिए। आज वापस आते आते रात हो चुकी है और पहले इस टाइम शाम होती थी। शाम के 5:40 हुए हैं अभी। बिल्कुल भाई अंधेरा है, धुएं उठ रहे हैं। मेरे ख्याल में इस किचन में आज खाना बन रहा है और हमारे परिंदे जो हैं वो अभी तक बाहर पड़े हैं। शहज़ेब बेटा यार ये परिंदे तो मेरे साथ अंदर करवाओ। तो मेरे जाने के बाद आप बच्चों से कहते हो, उनसे ये उठवा के अंदर रखवा देते। उठाएं परिंदों को हमने अंदर रख दिया है, लाइट्स वगैरह हमने ऑन कर दी हैं। जब सोएंगे तब लाइट्स बंद कर देंगे और पूरे घर की लाइट्स ऑन है। चांद निकला हुआ लेकिन ब्लर है, वो इसलिए कि धुंध है भाई। शाम को भी धुंध ने डेरे डाले हुए हैं। आज तबीयत ठीक ना होने के बावजूद फिर बाइक पे एक छोटी सी राइड करनी पड़ी क्योंकि बच्चों के जो है ना वो एडमिशन करवाने थे और डेट भी लास्ट थी। इसी का खाना हमने खा लिए और खाने के बाद भाई चाय, गर्मा गर्म चाय अपने सुकून घर में बैठ के पीते हैं। इस साइड से ना सीरत ज़हरा हंसती हुई आ रही हैं, वो नकाब करना सीख रही हैं और मुझे दिखा रही हैं। मामू जान कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही हैं आप। सीरत ज़हरा सीख रही हैं अभी कि नकाब कैसे किया जाता है। वो तो आपको करना आता है ना, जो ऊपर से अबाया करती है ना। सीरत ज़हरा कह रही है मैं हाफजा हूँ तो मैं अब नकाब किया करूँगी। आंखें तो आपकी नज़र नहीं आ रही, नकाब किया हुआ है आपने, लेकिन अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ठीक है जाएं। सीरत ज़हरा और मासूम से उसकी ख्वाहिश है कि मैं हाफजा हूँ और मुझे अब नकाब करना है, जबकि सीरत ज़हरा अभी 6-7 साल की हैं। और आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।